तो गाइस इस लिथियम आयन बैटरी के चार्जर को बनाने के लिए हमने एक पीवीसी का पाइप लिया है। इसकी जो डायमेंशन है वो है 3.5 इंच अंदर से इसकी डायमेंशन है। और अब मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा के और इसको अच्छे से गोल कर लूँगा। तो गाइस अब जो ये पाइप है इसको हमें गैस पर हीट करके इस टाइप से पिचका देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं इसको करके और लेके आता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने इसको काफ़ी अच्छे से हीट करके इस टाइप से बना दिया है। और अब यहाँ पर हम इसके जो कॉर्नर है इनको भी रफ़ कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब मैं एक पीवीसी की सीट लूँगा और इसके नीचे का हम एक दो सीट बनाने वाले हैं जो कि दोनों साइड में लगने वाली है। तो यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगा और इन दोनों को फाइनली यहाँ पर मैं कट कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है और इसमें से एक साइड से तो इसको आपको पहले ही बंद कर देना है। और गाइस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर हमें इसके बैटरी का कनेक्टर बनाना है। तो यहाँ पर हम इसमें 5 बैटरी है वो चार्ज करने वाले हैं, तो हमें इन बैटरी को यहाँ पर लगाना होगा। तो उसके लिए हमने एक हल्का पीवीसी का पाइप लिया है जो कि लेंटर फिटिंग में आता है या फिर बिजली फिटिंग के यूज़ में आता है। इनको हमने कुछ इस तरीके से कट किया है जो ये बैटरी है ना इनके अंदर ऐसे आ जाती है। तो अब हम इन 5ों को ऐसे चिपका देंगे मिला करके। तो गाइस फाइनली हमने इनको चिपका दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझको चिपकाने में, इसलिए मैंने इनको पहले ही चिपका लिया है। और ये बैटरी है इनके अंदर ऐसे आ जाएगी। और अब यहाँ पर हमने 2 पीवीसी की सीट कट की है, इनको हम ऐसे लगाएंगे, यानी हम इसका एक चकोर बॉक्स टाइप में इसका बना देंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने इसको कर लिया है कम्प्लीट। और बने रही वीडियो में एंड तक, और भी काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर जो ये बैटरी है इनको हम ऐसे लगा सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये इसकी बॉडी बनाई थी हमने, इसके ऊपर हमें लगाना है इसको। तो इसको यहाँ पर लगाने के लिए हम सिंपली एक मार्क लगा देंगे जो कि इस बॉक्स के साइज़ में ही होगा। और मार्क लगाने के बाद अब हम भैया इसको कर देते हैं कट। तो यहाँ पर मैं इस ड्रीमल टूल से कट कर रहा हूँ। अगर आपने इस ड्रीमल टूल की वीडियो नहीं देखी, आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमने इसको कट कर लिया है और ये इजीली इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टूट गया है, कोई नहीं, हम इसको बाद में चिपका देंगे यहाँ से। और यहाँ पर एक है ये पावर बैंक मॉड्यूल। गाइस ये पावर बैंक मॉड्यूल है, लेकिन चार्ज करने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है, अच्छे से चार्ज नहीं कर पाता मोबाइल को। बस ये जो बैटरी है ना उनको चार्ज कर देगा, बैटरी को चार्ज कर देता है लेकिन आउटपुट में पावर नहीं दे पाता। तो अब यहाँ पर हम इसी का ही यूज़ करेंगे, हम इससे चार्जर बनाएंगे अब। तो अब यहाँ पर हम इसमें होल बना लिए इसी के साइज़ के। और जो ये पावर बैंक मॉड्यूल है ये आ जाता है भाइयों इसके आगे, ये इस टाइप से यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर हम इसको हॉट ग्लू से चिपका देंगे जिससे कि ये कहीं पर भी नहीं हिलेगा। हाँ तो गाइस यहाँ पर हमने इसको हॉट ग्लू से चिपका दिया है और इसके साइड में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, और इस बटन पे हमने हॉट ग्लू नहीं लगाया वरना ये जाम हो जाता। इसके लिए हमने पीवीसी की पत्ती से कुछ इस टाइप से बनाया है और इसको हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको चिपका देता हूँ और यहाँ पर हम इसको फाइनली अब चिपका देते हैं। तो यहाँ पर नीचे लाइट लगी हुई है और जो यहाँ पर हमें दिखाई देगी, तो हम यहाँ पर काफ़ी बारीक बारीक 4 होल बना लेंगे चारों लाइट के लिए। और एक होल हमने आगे कर लिया है, इस आगे वाले होल में हम इस लाइट को लगाएंगे जो कि इस पावर बैंक मॉड्यूल में लगी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट है। और इस लाइट को हमें निकालना है जो यहाँ पर ये लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर ये निकल गई है, इसको लगा देंगे हम यहाँ पर। गाइस ये जलती है, इस साइड का जो बटन है ना इसको दबाने पर ये लाइट जलती है, तो ये थोड़ी सी रोशनी भी देगी, जैसे कि हमें कहीं जाना हो तो हम इसको लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास पावर बैंक मॉड्यूल सही है ना तो आप उससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। गाइस ये पावर बैंक मॉड्यूल पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है,
मोबाइल को नहीं चार्ज कर पाता। और बाकी यहाँ पर जो हम जो लिथियम आयन बैटरी लगाएंगे इसके अंदर, उनको ये अच्छे से चार्ज कर देता है। तो अब जो ये बॉक्स है इसको लगाना है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐड करनी होगी। कुछ हमने स्प्रिंग निकाले हैं जो कि पुराने ख़राब रिमोट होते हैं उनमें से निकाला है, और मैंने पत्ती कट की थी और ये हाथ में भी लग गई। तो आपको देख करके काम करना है क्योंकि गाइस काफ़ी शार्प ये पत्तियाँ होती है। और अब मैं यहाँ पर इन पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पर जो स्प्रिंग है पांचों स्प्रिंग को हम इन पर लगा देंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमने इन पांचों के पांचों स्प्रिंग को लगा दिया है, और यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव है उसको भी बना दिया। इसमें हमने छोटे छोटे एक सोल्डरिंग कर दिया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमें इनको लगाना है यहाँ पर, और इस वाले को लगाना है इस साइड पर। तो यहाँ पर इसको हम सुपर ग्लू से डायरेक्ट चिपका लेते हैं। थोड़ा सा सुपर ग्लू आपको यहाँ पर ज़्यादा डाल देना है, और यहाँ पर इनको बराबर चिपकाने के लिए पीवीसी सीट को रख देना है। और आपके पास कोई भी चिमटी हो या फिर आपके पास कोई भी क्लिप हो उससे इसको यहाँ पर दबा देना, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा पीवीसी के साथ। तो यहाँ पर गाइस ये अच्छे से चिपक चुका है, और अब इसी प्रकार से हम इनको लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी लगा देता हूँ मैं, और सेम इसको भी हम यहाँ पर जो चिमटी है इनसे दबा देते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट ये हो चुका है। एक तरफ जो स्प्रिंग वाले हैं सारे नेगेटिव है, इधर सारे पॉजिटिव है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें इसमें भी वायरिंग करनी होगी। तो इसकी जो वायरिंग करने के लिए पहले हमें इसके कोने में दो होल बना लेने हैं, और यहाँ पर हम एक वायर लेंगे और इन पर सोल्डरिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये वाइट वाला वायर है इसको निकाल के इस पर जोड़ देंगे जहाँ पर ये स्प्रिंग वाली पत्ती लगी हुई है। एक तरफ आपको जोड़ना है, पूरे में ही एक करंट चला जाएगा। ये दूसरी तरफ हम यहाँ पर जोड़ेंगे पॉजिटिव जो कि रेड वाला वायर है। तो यहाँ पर जो हमारा बैटरी होल्डर है ये कंप्लीट बन चुका है। पांच बैटरी का बनाया, आप छह बैटरी का, सात बैटरी का भी बना सकते हैं, या फिर आप दस बैटरी का बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बैटरी है ना, इसको दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव है और एक तरफ इसके माइनस होता है। तो जिधर आपको यहाँ पर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव रखना है, जिधर माइनस लिखा है उधर माइनस ही आपको रखना है, तभी ये चार्ज होगी, वरना ये पावर बैंक मॉड्यूल है ना ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस मैंने इसको लगाया, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर जितनी भी बैटरी हैं इनको यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर हमने बैटरी को लगा दिया है, और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जो ये बैटरी है ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, काफ़ी अच्छे से टाइट इसमें आ रही है। मतलब यहाँ पर जो होल्डर है ना इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमने बनाया है। और जो ये बैटरी है इनको हाथ से तो हम इजीली निकाल सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे निकालोगे तो भाई नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर गाइस एक तरफ बी पॉजिटिव लिखा है, एक तरफ बी नेगेटिव लिखा है, यानी बैटरी प्लस और बैटरी माइनस। तो यहाँ पर हमें वायर को सोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो रेड वाला है ना ये बैटरी प्लस है, वाइट वाला है बैटरी माइनस। तो हम इनको यहाँ पर सीधा ही जोड़ देते हैं। तो भाई वो इसके जुड़ते ही यहाँ पर कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए, चलिए अब इसको फटाफट से यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बंद करना काफ़ी सिंपल है, और फिर हम इसको डायरेक्ट सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो गाइस जो हमारा ये चार्जर है ना ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इससे आपको बैटरी चार्ज करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बैटरी है, अब इनको हमें वापस से फिर लगाना होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ इनकी वोल्टेज दिखा देता हूँ बैटरी की कि कितनी वोल्टेज है। 2.93 वोल्टेज है इसकी, और इसकी देखते हैं ये है 2.93 वोल्टेज, इसकी भी यही है, और 1.93 वोल्टेज, ये काफ़ी डाउन है। और इसके देखते हैं 2.91 वोल्टेज और 2.91 वोल्टेज, मतलब कोई भी बैटरी 3 वोल्ट तक चार्ज नहीं है, और ये बैटरी 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है, मतलब बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो अब यहाँ पर हम इनको चार्ज करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इन बैटरी को लगा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमने सभी बैटरी को लगा दिया, काफ़ी ध्यान से आपको लगाना है, नेगेटिव सारे एक तरफ, पॉजिटिव सारे एक तरफ। अब इसको हम यहाँ पर चार्ज करेंगे मोबाइल चार्जर से, जो कि हमारा नॉर्मल मोबाइल चार्जर है। तो यहाँ पर हमें इसको लगाना है, जैसे हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे ब्लू कलर की लाइट ग्लो करेगी। तो जैसे हमने इसको लगाई ये देख सकते हो ब्लू लाइट यहाँ पर जल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लगभग हम इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फाइनली गाइस 2 घंटे हो चुके हैं, और बैटरी अभी फुल चार्ज तो नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी चार्ज हुई है। तो इन सभी बैटरी को हम बाहर निकाल देते हैं।
तो चलिए अब इसकी वोल्टेज चेक करके देखते हैं। वोल्टेज देखिए कितनी आ रही है, 2.3.24 वोल्टेज, मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। मतलब भाई पूरी चार्ज तो नहीं हुई पर ये चार्ज हो रही है। तो ये दूसरी बैटरी है, इसको देखते हैं इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है, 3.24 वोल्टेज, मतलब ये भी सेम है। गाइज यहाँ पर ये बैटरी है ना सभी बराबर चार्ज होती है। और इसको देखते हैं 1.5, मतलब ये बैटरी अभी तक चार्ज नहीं हुई, मतलब ये बैटरी ख़राब है। जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी काफ़ी लो बैटरी थी, मतलब ये ख़राब है। इसको साइड में रखते हैं और इसकी वोल्टेज देखते हैं, 3.24 वोल्टेज। गाइस यहाँ पर सारी बैटरी बराबर चार्ज हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम इसको और देर तक रखते हैं तो ये 4 वोल्ट तक इजीली पहुँच जाती है। ये भी इसकी भी सेम वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये बैटरी ख़राब है, फिर से चेक करके देखते हैं। हाँ गाइस ये बैटरी ख़राब है, 1.5 वोल्टेज ही आ रही है इसमें से। तो यहाँ पर ये चारों बैटरी काफ़ी अच्छे से चार्ज हो चुकी है, सारी यहाँ पर एक बराबर चार्ज हुई है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना एंड शेयर करना।